वेलकम बैक सेवेंथ क्लास टू योर सोशल साइंस क्लास इन द प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट वी वर डूइंग हिस्ट्री चैप्टर नंबर ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट इन द लास्ट वीडियो वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट टाउन्स हमने किसके बारे में बात करी थी डिफरेंट टाइप ऑफ टाउन्स विच व कोर्ट टाउन्स टेम्पल टाउन्स एंड कमर्शियल टाउन्स पोर्ट टाउन्स and also we talked about trading towns so now in today's video we will be talking about traders we will be talking about traders so let's start with this topic there were many kind of traders ranging from very big merchants to petty hawkers so traders had, they had a range of people some were very big and very big merchants traders, and they were very uh, the other one very small. Petty hawkers. Hawkers means the one who sells on uh, like on head and on, or on a cart, so that type of people, very small hawkers. So people from all castes joined the trading profession because it was central to the medieval economy, because it firstly, it was economical and this was a new profession. बिकॉज़ अभी तक तो सारे ही लोग फार्मर्स वगैरह होते थे सो नाउ ट्रेडिंग मीन्स लाइक दे ऑलवेज थॉट दैट इफ दे आर इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग सो ऑब्वियसली दे कैन गेट मोर मनी इट वॉज द ट्रेडिंग कम्युनिटी दैट प्रमोटेड क्राफ्ट एंड अर्बन ग्रोथ और ट्रेडर्स ने ही क्राफ्ट मैन को प्रमोट किया बिकॉज देवर ट्रेडिंग डिफरेंट थिंग्स दैट्स वाई देर ऑल्सो प्रमोटेड क्राफ्ट

तो फॉरेन कंट्री से भी ट्रेड कर रहे थे एंड विद इन द कंट्री ऑल्सो दे ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द विदर्ट ऑफ रेड सी पर्शियन गल्फ ईस्ट अफ्रीका साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना सो दे आर ऑल्सो ट्रेडिंग विद द फॉरिन ट्रेड एंड फॉरिन कंट्रीज दे सोल्ड मेनली टेक्सटाइल्स अंडरलाइन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दे सोल्ड मेनली टेक्सटाइल एंड स्पाइसिस इन दीज पोर्ट एंड इन एक्सचेंज ब्रॉड गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो बॉट एंड सेल करते क्या थे तो मेनली वो यहां से इंडिया से लेकर जाते थे टेक्सटाइल एट क्लोथ एंड स्पाइसिस अलग अलग तरह के मसाले ये सारे वो लेकर जाते थे एंड वहां से वो इन एक्सचेंज लेकर आते थे अफ्रीका से गोल्ड एंड आइवरी स्पाइसेस टिन चाइनीज ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर ये सब जो है वो बाहर से लेकर आते थे एंड फ्रॉम इंडिया दे यूज टू तो टेक टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस टू सेल दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बैंकिंग एंड मनी लेंडिंग तो फाइनेंस में भी इंटरेस्टेड रहते थे

बंजारस दे जनरली ट्रेडेड इन फोर्थ स्टफ लाइक राइस फ्लार बटर मिल्क वेजिटेबल्स एंड शुगर और फोर्थ स्टात ट्रेड करते थे तो मतलब फर्स्ट दे बॉट द थिंग्स देन स्लोली एवरी डे दे आर मूविंग एंड दे आर सेलिंग डिफरेंट थिंग्स दे बॉट दीज प्रोडक्ट फ्रॉम पीजेंट हुर टैक्सेस ऑन लैंड इन कैश सो जिनको भी फार्मर्स को जिन फार्मर्स को भी कैश चाहिए होता था तो ये उनसे सामान खरीद लेते थे द ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्म एसोसिएशन विद हेडमैन टू नेगोशिएट विद वॉरियर्स हु ब्रॉट हॉर्सेस तो जो ट्रेडर्स हॉर्स ट्रेडर्स में करते थे मतलब हु यूज टू बाय एंड सेल हॉर्सेस दे ऑल्सो यूज टू नेगोशिएट विद वॉरियर्स वॉरियर्स मीन रूलर्स वगैरह के साथ दे नेगोशिएट कर लेते थे एंड दे यूज टू ब्रॉट brought horses the traders usually traveled in caravans and formed guilds to protect their interests. to वो कारवांस में जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, there is a photo given of Banjara's. You can see they have everything on this type of a wheel, a small caravan type and they are taking it everywhere. So in this में उनका सामान भरा होता था. They used to go to new place, वहाँ पे वो सेटल हो जाते थे. They used to live there. and then they 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 used to to sell whatever they have brought. This was because they had to pass through many kinds of many kingdoms and एंडस्ट और रीजन बींग ट्रैवल करते थे क्योंकि उन्हें बहुत सारे किंगडम्स और फॉरेस्ट मीन्स जंगल वगैरह से भी ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता था सम ऑफ द फेमस गिल्ड ऑफ साउथ इंडिया वर्ल्ड द मनी ग्रामान एंड द नवदेश These guilds traded both within India and with Southeast Asia and China. So these are few more examples of Vandaras, the guilds who used to travel to India and also in Southeast Asia and China. Foreign traders, for example, Arab Persian, Chinese, Jewish, and Syrian Christian traders often came to India to trade in. अब ये सारे फॉरेन ट्रेडर्स भी आते थे इंडिया में और इंडिया में वो किस चीज का ट्रेड करते थे इंडियन स्पाइसेस का लाइक पेपर सिनेमन नटमेग ड्राइड जिंजर एटसेट्रा एंड कॉटन क्लोथ विच वॉज हाई इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट दिस इवेंचुअली अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडर्स टूअर्स इंडिया तो इंडिया में बेसिकली दो ही चीज का ज्यादातर मतलब एक्सपोर्ट होता था इंडिया से बाहर लेकर जाई जाती थी विच वर इंडियन स्पाइसिस एंड कॉटन क्लोथ नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रेडर्स नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्राफ्ट क्राफ्ट प्लेड अ मेजर रोल इन द मेडिवल इकोनॉमी दे इंक्लूडेड गोल्ड स्मिथ गोल्ड स्मिथ मीन्स द हु इज मेकिंग थिंग्स ऑफ गोल्ड ब्रॉन्स स्मिथ जो ब्रॉन्स का सामान बना रहा है ब्लैक स्मिथ ब्लैक स्मिथ ये नहीं कि वो ब्लैक थिंग्स का बना रहा है मतलब आयरन का सामान बना रहा है कारपेंटर्स कारपेंटर्स हु आर मेकिंग अ वुड वीवर्स हु आर लाइक वीविंग क्लोथ्स एक्सेट्रा सो दीज ऑल वर अ पार्ट ऑफ क्राफ्टमैन कम्युनिटी द बिदरी कम्युनिटी फ्रॉम बिदर प्रेजेंटली आंध्र प्रदेश वॉज फेमस फॉर अंडरलाइन The Bidri community from Bidar was famous for its inlay work in copper and silver. So this type is the Bidri work you can see how beautiful carving has been done on copper. The Panchalas or Vishwakarma community worked as goldsmith, bronze smith, blacksmith, mason and carpenters. They were involved in the construction of temples, palaces, tank and reservoirs. so now you can see craftsmen were also required. kiva temples, palace, maybe, jo hai, carving kar sakhe, architecture kar kar so that's why uh, craftsmen were also required. the salyer or kakulars worked as weavers. they were rich communities. they often made donation to temples. डरिंग दिस पीरियड कॉटन क्लीनिंग स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज एंड वर्क कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट क्राफ्ट सुनाओ इवन कॉटन का जो कि बहुत ज्यादा ट्रेड होने लग गया था एक्सपोर्ट होने लग गया था तो कॉटन को भी डिफ्रेंशिएट किया गया मतलब पहले कॉटन क्लीन की जाती है उसके बाद स्पिनिंग की जाती है टू मेक थ्रेड उसके बाद वीविंग देन डाइंग मेकिंग इट इन डिफरेंट कलर तो ये सब भी स्पेशलाइज हो गए एंड बिकेम डिफरेंट क्राफ्टो दीज एक्टिविटीज डिट्ट सो नाउ स्टूडेंट सो नाउ स्टूडेंट्स इन योर बुक देर द चैप्टर एंडस हेयर ओनली नाउ देयर आर फोर केस स्टडी द फर्स्ट केस स्टडी इज ऑफ हम्पी द सेकेंड केस स्टडी इज ऑफ मसोली पट्टनम दैट इज ऑल्सो अ पोर्ट एंड the third case study is of surat which is in gujarat and the fourth case study is of foreign travelers that is vasco da gama and christopher columbus so these are the four case studies students you need to read this case studies on your own these are for reading purpose so that you can read and come to know more about what was happening at that particular point of time so let me just go through this

हम्पी वेर फॉर टू हंड्रेड इंड अ फोर्टिफाइड सिटी फोर्टिफाइड सिटी मीन्स दैट इसके चारों ओर पे फोर्ट की तरह बहुत बड़ी वॉल बनाई गई थी कि द अदर किंगडम्स कुड नॉट अटैक इट तो जो हम्पी का जो आर्किटेक्चर था दैट वॉज वेरी फेमस एंड इट वॉज वेरी मच एप्रीशियबल ऑल्सो हम्पी वॉज अ कमर्शियल टाउन मतलब वहां पर बहुत ज्यादा ट्रेड भी होता था एंड इट हैड अप्रोक्सीमेटली थ्री हंड्रेड पोर्ट्स कितने पोर्ट्स थे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली थ्री हंड्रेड पोर्ट्स थे यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा टाउन uh, कितना ज्यादा ट्रेड होता होगा अब फ्रॉम हम्पी एंड हम्पी लास्टेड दिस सिटी लास्टेड फॉर अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड इयर्स आफ्टर दैट हम्पी के ऊपर अटैक uh, हुआ एंड It became into ruins. So this just go through this case study of Hampi, which is again a very simple. Just you can read it for knowledge sake. Now the next case study is on another town which was Masoli Patnam. This port town is in the state of Andhra Pradesh. This is in the state of Andhra Pradesh. लेट सी इन द मैप किन ह्यो हैसोली पटनम दिस इज आंध्र प्रदेश एंड इट इज अ पोर्ट टाउन बिल्कुल सी कोस्ट के ऊपर है तो इट इज अ पोर्ट टाउन एंड इट इज ऑन द कौराम कोस्ट इट इज ऑन द कौराम कोस्ट किस कोस्ट पे है कौरमंडल कोस्ट पे नाउ क्योंकि ये सी पोर्ट था एंड इट वॉज अ वेरी इट हैज वेरी इट वॉज अ सेंटर ऑफ ग्रेट पोलिटिकल एंड कमर्शियल एक्टिविटी मतलब पॉलिटिक्स भी हो रही थी यहाँ पे और कमर्शियल एक्टिविटी भी थी तो डच और इंग्लिश दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ही इस पोर्ट पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे डच पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू कंट्रोल इट एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो वॉन्ट टू कंट्रोल इट And why they want to control it was for this. The port town is known for its kalamkari textiles. Textile means cloth, and on cloth they used to do kalamkari painting and kalamkari textile. You can see here there is a picture given that which says kalamkari painting of the goddess sitting on the lotus. So, very barik कलम मीन्स पेन तो जैसे पेन से बनाई गई हो दैट टाइप ऑफ टेक्सटाइल दैट टाइप ऑफ पेंटिंग दे टू डू ऑन क्लोथ्स तो इसके लिए कलमकारी टेक्सटाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस था मसौली पटनम एंड मेनी फॉरेन ट्रेडर्स वांट टू कंट्रोल इट बट विद दिस इट वाज आल्सो फेमस फॉर वीवर्स क्योंकि क्लोथ का काम हो रहा है तो वीविंग इज आल्सो रिक्वायर्ड सो वीवर्स वर आल्सो दे but slowly and slowly this town also today lost its uh, the charm because because slowly it was it also suffered a setback and you can see that earlier it was very famous so this is the case study of masoli Patnam. you can just read it and go through it it's very simple and also, there is a picture given here of kalamkari textile. A person doing kalamkari textile. So let's move ahead. And this is about Surat. Surat, as you know, we have studied in the chapter. Surat, a gateway to the west. This was in Gujarat. Underline the port city of Gujarat. Surat in Gujarat is situated on the left bank of Tapi River. तो so, तापी रिवर के ऊपर इट इज सिचुएटेड दिस पोर्ट इज सिचुएटेड विच इज द सूरत नाउ सूरत में मेनली टू में दो काम होते थे पहला जो काम होता था वो होता था टेक्सटाइल्स का क्लोथ का एंड सेकेंड वॉज ऑफ डायमंड डायमंड जो होते थे जो की कटिंग की जाती है पॉलिशिंग की जाती है दैट विज गोइंग इन सूरत टिल टूडे ऑल्सो इट इन सूरत Surat is still today also it is famous for both uh, diamonds also and the textile industry also. So, Surat was famous for both I told you the textile and diamond. Surat was also famous for this type of patola. Patola was also clothed. This is showing a patola sari and it was also famous for जरी वर्क जरी वर्क जो होता है वो गोल्ड लेस का वर्क होता है दैट इज नोन एजरी वर्क एंड इट वॉज ऑल्सो फेमस फॉर डायमंड बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट हाउ सूरत वॉज इंफ्लुएंसिंग द फॉरन ट्रेड ऑल्सो टिल टूडे ऑल्सो सूरत इज वेरी फेमस एंड इट इज अ वेरी ग्रेट बिजनेस सॉरी कमर्शियल सेंटर ऑफ इंडिया So, you have to read about these three case studies. The first one being Hampi, then Masoli, Patnam, and the third town of Surat. This you have to read it. If you are having any doubt, then you can just message the teacher and we can also take them in the doubt class. Now, let us read about the foreign travelers that is Vasco da Gama and Christopher Columbus. अब क्या हुआ जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई सी ट्रेड बढ़ा और लोग जो है ट्रैवल करने लगे पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज टू नो अबाउट अबाउटैट कंट्री वहां का कल्चर क्या है वहां पे कौन सा जो सामान है दैट इज देअ सो लेट्स रीड अबाउट दीज टू फॉरेन ट्रैवलर्स

एक्सप्लोरर्स वाइव ड्रिविन बाय द डिजायर टू फाइंड न्यू वेज ऑफ रीचिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ऑप्टेन स्पाइसिस इनका मेन मोटिव ये था कि दैट दे कैन ऑप्टेन इंडियन स्पाइसेज क्योंकि इंडियन स्पाइसेस की फॉरन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड थी जो इंडियन मसाले हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज में अदर कंट्रीज में एट दिस टाइम द यूरोपियन नीडेड स्पाइसिस एज प्रिजर्टिड नॉट एज फ्लेवरिंग सबस्टेंसेज और उन्हें जो तो ये स्पाइसिस प्रिजर्वेटिव के रूप में चाहिए होते थे फूड तो वो प्रिजर्व हो जाएगा मतलब तो लॉन्ग टाइम तक तो खराब नहीं होगा उन्हें कोई टेस्ट एनहैंस नहीं चाहिए होती कि टेस्ट बढ़ जाए ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता था और उन्हें बहुत सारे रूट्स ढूंढने थे कि जल्दी से जल्दी वो इंडिया कैसे पहुंच सकते हैं सो फर्स्ट वन बीइंग वास्को डगामा एंड क्रिस्टोफर कोलम्बस सच एक्सप्लोरर्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वास्को डगामा वाज़ अ पोर्टुगीज का सेलर था ही वाज़ एन एक्सपर्ट नेविगेटर तो ही वाज़ ऑलरेडी वेल वेल वेरी वेल नोइंग शिप्स एंड द रूट ऑफ ओशियंस ही सेल्ड इन टू ओपन एटलांटिक एंड यूज़ द नॉर्थ एंड वेस्ट रूट टू सेल अराउंड द केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका सो एटलांटिक ओशन में अफ्रीका के थ्रू आते हुए एंड क्रॉस ओवर टू द इंडियन ओशन और वो कहाँ पहुंच गया इंडियन ओशन. ऑल दो ही हैड नॉलेज ऑफ द मॉनसून विंडस मॉनसून जो आता है वो विंडस जब आती है सो विद दो स्टार्टेड ट्रेवलिंग गेट ही लॉस्ट टू ऑफ हिस्स फोर शिप्स तो उसने ही ऑल्सो लॉस्ड शिप्स एंड मोर देन वन हंड्रेड सेलर थे वो भी लॉस्ट हो गए शिप्स में बिकॉज अलोंग दलोंग द रूट ही विद फिफ्टी फोर अदर सेलर बट ही सर्वाइव विद फिफ्टी फोर अदर सेलर ही रीच कैलीकट इन एडी फोर्टीन नाइनटी एट सो ही रीच द कैलिकट

गवर्नर ऑफ the dutch कलोनी english aur ye बाय jata hai ki vasco और ये माना जाता है कि वास्को वास्को was the first traveler who came to India, the first trader who came to India. इसके बाद सारे आए like Dutch आए उसके बाद English आए फ्रेंच sailors आए एंड लेटर ऑन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई और फिर ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया इंडिया पे अ फ्यू इज बिफोर वास्को डामा वास्को डामा तो रिजन फोर्टी एट पर इससे पहले देर वॉज अ पर्सन नोन एज क्रिस्टोफर कोलम्बस एंड इटालियन नेविगेटर सो ही वॉज फ्रॉम इटली सेल्ड फ्रॉम कैनरी आईलैंड एंड ऑटोनोमस रीजन ऑफ स्पेन तो उसने स्पेन के वहां से ट्रेवलिंग शुरू की टर्न वेस्ट वर्ड अक्रॉस द एटलांटिक तो एटलांटिक के वेस्ट में मुड़ गया टू फाइंड अ न्यू सी रूट टू इंडिया कि कैसे जल्दी से जल्दी इंडिया में पहुंचा जा सके इनस्टेड ऑफ इंडिया ही लैंडेड इन द वेस्ट इंडीज और वो कहां पर पहुंच गया वो पहुंच गया था वेस्ट इंडीज में इन एडी फोर्टीन नाइनटी टू द लैंड गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज उसको लगा कि वो इंडिया पहुंच गया है पर वो पहुंचा था वेस्ट इंडीज में सो so, he was followed by other sailors and conquerors from spain and portugal who occupied large parts of central and south america often destroying earlier settlement in the area so he was also followed by other sailors but the first uh, trader he who came to india after that the trading started was vasco da gama so this was also important topic the, about two foreign travelers uh, that is vasco da gama and christopher columbus so with this students we complete the chapter now just go through this chapter and read the case studies and also read the chapter and if you are having any doubt we can take them up in the doubt class or you can message me so in the next video we will be doing the question answers of this chapter so thanks and take care